जी नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ सालिस भाई हैं यहाँ पे मस्जिद औलिया अल्लाह के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में हमारे साथ दे रहे हैं। हम इनसे चाहेंगे कि एक नात जो है दिल अपना पाकिस्तान के लिए मुख्तस करें। जी सालिस भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मुहम्मद वसल्लम। मैं इस वक्त भाई इंतखाब जो कि दिल अपना पाकिस्तान, भाई इंतखाब आलम जो कि दिल अपना पाकिस्तान का प्रोग्राम करते हैं, उनके लिए मैं एक, उन्होंने मुझसे ये मुझे हुक्म दिया है कि एक नात शरीफ पढ़ी जाए ताकि वो प्रोग्राम में शामिल कर सकें। तो मैं एक नात शरीफ पढ़ने की सादत हासिल करता हूँ। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे हैरा की तस्कीन वहीं रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे हैरा की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबीं रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूदो सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूदो क़ियाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफे दवाम, वो सलाते सुकून आफरी रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, याद आते हैं हमको वो शामो सहर, वो सुकून दिलो जावो रूहो नजर, ये उन्हीं का करम है उन्हीं की अता, एक कैफियत दिल नशीं रह गई। पढ़ के नसर मिन अल्लाह फतहुन करीब, जब हुए हम रवासुए कुए हबीब, बरकतें रहमतें साथ चलने लगी, बेबसी जिंदगी की यहीं रह गई। जिंदगानी वहीं काश होती बसर, काश बहजाद आते ना हम लौट कर, और पूरी हुई हर तमन्ना मगर, ये तमन्नाए कल्बे हज़ीन रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूदो सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूदो क़ियाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफे दवाम, वो सलाते सुकून आफरीन रह गई। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। बहुत खूबसूरत नात जनाब सालिस भाई ने पेश की। तो इसी के साथ नाज़रीन हम आपको अपडेट रखेंगे। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। माशाल्लाह, शुक्रिया।
जी नाज़रीन, मेरे साथ मौलाना अब्दुल लतीफ़ नुमानी साहब हैं जो हमेशा हमें दिल से बहुत प्यार करते हैं। हमें देखते ही इनका जो चेहरा है वो खिल उठता है, बहुत मोहब्बत करते हैं। इंतखाब अहमद दिल अपना पाकिस्तान के साथ नुमानी साहब, अलहाज मौलाना नुमानी साहब हमें कोई पैगाम देना चाहते हैं अपने आवाम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, प्यारे नबी पर दुरूद और सलाम भेजता हूँ। उसके बाद दिल अपना पाकिस्तान, इसके लिए मैं बहुत दिनों से तड़प रहा था कि इनको मैं मुबारकबाद दूँ। शुक्रिया। जिस अंदाज से, जिस तरीके से आफताब भाई और इनके साथी मिलकर ये प्रोग्राम चला रहे हैं, इंतखाब भाई जिस तरीके से माशाल्लाह प्रोग्राम चला रहे हैं, काबिले तहसीन है, काबिले फ़ख्र है। कौम की, दीन की खिदमत के लिए कोशा हैं। जहाँ भी इस्लामी प्रोग्राम या कम्युनिटी का प्रोग्राम होता है, जहाँ ज़रूरत महसूस करते हैं वहाँ जाकर उसको कवर करते हैं। कौम तक उनका पैगाम, लीडरों का पैगाम, उलमा का पैगाम, दीन का पैगाम, इस्लाही पैगाम देते हैं। मैं दिल अपना पाकिस्तान के लिए बहुत खुश हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इस कम्युनिटी को कह लें, या इस प्रोग्राम को कह लें, या इस टीवी वालों को कह लें, या भाई इंतखाब की पूरी कमेटी को कह लें, मुबारकबाद देता हूँ, दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को हमेशा जारी और सारी रखे और इनकी खिदमत जो है दीन की, कौम की, या इलाह आलमीन खिदमत करने की, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मेरे साथ मौलाना हैदर भाई साहब, मौलाना कहूँगा क्योंकि माशाल्लाह जितनी खिदमत कर रहे हैं इस्लाम के लिए, हाँ जी, इस्लाम के लिए एक भी कलमा कहना वो मौलाना के बराबर है। मैं अर्ज़ करूँ कि मैं इंतखाब भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा मैं ये इसलिए मैं, क्योंकि नफ्स जो है इंसान का, वो उसको बड़ा बहकाता रहता है। जी जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र, बुज़ुर्गों की दुआएं, मेरी माँ की दुआएं। सबसे पहली बात तो ये कि मेरी माँ की बहुत ख्वाहिश मरहुमा की कि वो जब ये मस्जिद अभी तामीर नहीं हुई थी, शुरू नहीं हुई थी, जी जी जी, तो वो शी पैस्ड अवे, बट जाने से पहले वो मुझे एक नसीहत करके गई कि हैदर, कभी भी मायूस मत होना अल्लाह की रहमत से। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह तुमने ये काम शुरू किया है, तुम्हारी टीम ने, तुम्हारे भाइयों ने, अल्लाह करेगा कि ये इंशाल्लाह पाए तकमील तक ज़रूर पहुँचेगी। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, मैं इस यकीन के साथ इस खिदमत पे मामूर हुआ हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ जो अभी मैंने अर्ज़ की, मैं मौलाना नहीं, मैं एक ले मैन के तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ। इल्मी बातें आपने मौलाना से सुनी, पीरज़ादा साहब से सुनी, और इसमें कोई शक नहीं कि वो हर बार सच और हक थी। मैं एक आम आदमी की हैसियत से आज ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि हम अक्सर ये, जब भी अल्लाह ताला हमें माल से नवाजता है, पैसों से नवाजता है, तो हम ये, हमारी एक ऑब्वियसली जहन में एक बात आती है कि कुछ ऐसा, हम कुछ ऐसा करके जाएं, इन्वेस्टमेंट को ऐसी करें कि जिसमें आने वाली नस्लों को भी और हमें भी उसका फ़ायदा हो और उसकी रिटर्न जो है वो गारंटीड हो। गारंटीड हो, हाँ हाँ, क्या बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये देखा कि अमूमन लोग गवर्नमेंट गारंटीड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि उनका पैसा डूबे ना, डूबे ना। तो आपका क्या ख्याल है कि रब्बे कायनात, खालिक व मालिक हमारा जो है, जब आप उसको कर्ज हंसना दे रहे हैं जो कि इन सारी चीज़ों का मालिक व खालिक है, तो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है? नहीं, वो कई गुना तो बढ़ा के इसका अजर देगा। और इंशाल्लाह आप ना सिर्फ ये कि आखिरत में देखेंगे, इस दुनिया में मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूँ इस मस्जिद के हवाले से कि जो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इस हद तक कि जिनके पास जॉब्स नहीं थी और उन्होंने प्लेज किए कि अगर हमारी जॉब लगी तो हम इंशाल्लाह अपना इसको जो है डोनेट करेंगे। इंतखाब भाई, लोगों ने 5,000 जॉब लगने के बाद दिए जो उन्होंने प्लेज किए हुए थे, आके दिए। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये पक्का यकीन है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको इस दुनिया में भी नवाजेगा और आखिर में भी नवाजेगा। तो जितनी जल्द हो सके आप हमारा साथ दीजिए।
मैं मशकूर हूँ दिल अपना पाकिस्तान की पूरी टीम का, इंतखाब भाई का, कि वो हमारा पैगाम जो है कम्युनिटी में बार बार इस रमज़ान में भी पहुँचा रहे हैं। और मैं फिर कम्युनिटी को बता दूँ कि इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में अब तक आज की ड्राइव थ्रू को छोड़ के हमारे पास $45,000 जो है वो इकट्ठे हुए। उसमें हमारे फैमिली और फ्रेंड्स, जैसे इंतखाब भाई के भी एक दोस्त ने 1500 दिरहम दुबई से भेजे, इस तरह और भी बहुत से लोग हमारे फैमिली और फ्रेंड्स में हैं जो कि पाकिस्तान से, यूएसए से, दुबई से वो डोनेशंस जो हैं वो भेज रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मस्जिद की जो है वो तकमील हो सके। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।